भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खेल जगत की टॉप 5 खबरों से। आईपीएल 9 की मजबूत आरसीबी टीम दिल्ली डेयरडेविल्स टीम ने अपनी पहली हार के बाद आज अपनी जीत दर्ज करने के लिए मुंबई टीम के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मुंबई की टीम भी सनराइजर्स से हारने के बाद अब जीत दर्ज करना चाहेगी। दोनों ही टीम जमकर मेहनत कर रही है। खराब दौर से गुजर रही मुंबई इंडियंस आज यहाँ आईपीएल के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से भिड़ेगी। ऑस्ट्रेलिया के घायल तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक की गैर मौजूदगी में आरसीबी की गेंदबाजी कमजोर लग रही है, जबकि वेस्टइंडीज के लेग स्पिनर सैमुअल ब्रदर्स भी T20 विश्व कप के दौरान लगी चोट के कारण इस आईपीएल में एक भी मैच नहीं खेल सके हैं। और अब वेस्टइंडीज खिलाड़ी क्रिस गेल भी अपने स्वदेश लौटने की वजह से मुंबई के खिलाफ मैच नहीं खेल पाएंगे। मुंबई और बेंगलोर के 2008 से अब तक के मुकाबले काफी रोमांचक रहे हैं। इनमें से मुंबई ने 9 जबकि बेंगलोर ने 8 मैच जीते हैं। इस साल मुंबई 4 में से 3 मैच हार चुकी है। वहीं बेंगलोर को पिछले मैच में दिल्ली डेयरडेविल्स ने क्विंटन डीकॉक के शतक की बदौलत हराया था। आरसीबी की टीम को अपनी गेंदबाजी संयोजन में बदलाव करने की जरूरत है। दो बार की चैंपियन मुंबई को इस सत्र में दोनों घरेलू मैचों में राइजिंग पुणे सुपर जॉइंट्स और गुजरात लॉयंस ने हराया था। अब उसका इरादा वानखेड़े पर बचे दोनों मैचों में जीत दर्ज कराने का होगा, क्योंकि इसके बाद उसका घरेलू मैदान जयपुर होगा। रसीद मलिंगा की गैर मौजूदगी में मुंबई का गेंदबाजी आक्रमण टीम साउदी मिचेल मैकली नाघन पर निर्भर करेगा। हरभजन सिंह भी लय पाने की कोशिश करेंगे। दोनों ही टीमें आज होने वाले मैच से पहले जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेस्टइंडीज टीम के विस्फोटक बल्लेबाज ने अपनी दमदार पारी से पूरी टीम को विश्व विजेता बनाने वाले और आईपीएल 9वें सीजन के मैच में आरसीबी की तरफ से खेलने वाले वेस्टइंडीज बल्लेबाज क्रिस गेल अब आईपीएल का अगला मैच नहीं खेल पाएंगे। लेकिन क्यों, जानेंगे इस रिपोर्ट से। T20 विश्व विजेता टीम के धुआंधार पारी खेलने वाले वेस्टइंडीज खिलाड़ी क्रिस गेल पहली बार पिता बने हैं। इस बात की खुशी से गेल फूले नहीं समा रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के लिए खेलने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाज क्रिस गेल अपने नवजात बेटे से मिलने के लिए स्वदेश लौट गए हैं। वो आज मुंबई इंडियंस के खिलाफ होने वाला मैच नहीं खेल पाएंगे। गेल इस समय अपनी पार्टनर नताशा बैरिज के साथ समय बिताना चाहते हैं। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर मंगलवार को उन्हें संबोधित करते हुए लिखा कि मैं घर के रास्ते में हूँ बेबी। बेंगलोर के बल्लेबाज सरफराज खान ने मुंबई के साथ होने वाले मैच से पहले इस बात की पुष्टि की। सरफराज ने कहा कि गेल पिता बनने वाले हैं। वो अपने परिवार और होने वाले बच्चे से मिलने अपने देश लौट गए हैं। सरफराज ने आईपीएल के इस सत्र के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 10 गेंदों में 35 रनों की पारी खेल सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा था। सरफराज ने कहा कि मैं आईपीएल में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता हूँ। आरसीबी टीम के एक शानदार बल्लेबाजी का विकल्प कम हो गया है। अब देखने वाली बात ये होगी गेल की अनुपस्थिति में आरसीबी टीम मुंबई के खिलाफ क्या कमाल दिखा पाती है। आईपीएल के 9वें सीजन में पंजाब ने पुणे के खिलाफ तो जीत दर्ज कर सकी, लेकिन अपने अच्छे फॉर्म पर कोलकाता के सामने टिक नहीं पाई। कोलकाता ने अपने जबरदस्त मुकाबले को जारी रखते हुए पंजाब किंग्स 11 को 6 विकेट से रौंद दिया। पंजाब के मोहाली स्टेडियम में खेले गए आईपीएल मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स 11 को 6 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स 11 ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 138 रन बनाए हैं। इन रनों का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम ने 17.1 ओवरों में 4 विकेट खोकर जीत हासिल कर ली। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम से रोबिन उथप्पा ने शानदार 53 रन और टीम के कप्तान गौतम गंभीर ने 34 रनों की पारी खेली। और किंग्स 11 पंजाब की बात करें तो पंजाब की ओर से सबसे ज्यादा शॉन मार्श ने नाबाद 58 रनों की जोरदार पारी खेली, जबकि मुरली विजय ने 26 रन बनाए। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था,
जोन की जीत के लिए बेहद कारगर साबित हुआ। कोलकाता और पंजाब की टीम के पहले मैचों की बात करें तो आईपीएल में दोनों टीमों के बीच उससे पहले हुए 17 मुकाबलों में से 11 में मुकाबलों में कोलकाता ने बाजी मारी है और पिछले 6 मैचों में कोलकाता ने पंजाब को धूल चटाई है। कोलकाता नाइट राइडर्स की पंजाब पर शानदार जीत हासिल करने में सबसे ज्यादा भूमिका उथप्पा और गेंदबाजों ने मिलकर निभाई है। साथ ही केकेआर टीम के खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा ने हाफ सेंचुरी भी ठोकी है। तो चलिए दिखाते हैं कैसा रहा केकेआर टीम के गेंदबाजों का प्रदर्शन। गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद रॉबिन उथप्पा की हाफ सेंचुरी की वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में किंग्स इलेवन पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। उथप्पा ने सिर्फ 28 गेंद में 9 चौकों की मदद से 53 रन की पारी खेलने के अलावा कप्तान गौतम गंभीर के साथ पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े, जिससे केकेआर ने 139 रन के स्कोर का पीछा करते हुए 17 गेंद शेष रखते 4 विकेट पर 141 रन बनाकर जीत दर्ज। पंजाब की ओर से लेग स्पिनर प्रदीप शाहू ने 18 जबकि लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल ने 19 रन देकर 2-2 विकेट चटकाए, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाए। केकेआर की 4 मैचों में ये तीसरी जीत है जबकि पंजाब की 4 मैचों में ये तीसरी हार है। उथप्पा ने विशेष तौर पर आक्रामक रवैया अपनाया। उन्होंने संदीप शर्मा की पारी की पहली गेंद पर चौका जड़ने के बाद उनके अगले ओवर में 2 और चौके मारे। दायहाट के इस बल्लेबाज ने तेज गेंदबाज काइल एबॉट पर भी 2 चौके मारे। टीम के कप्तान गौतम गंभीर ने भी एबॉट पर चौका जड़ा। केकेआर ने पावर प्ले में 65 रन जोड़े, जो आईपीएल 9 का पहले 6 ओवर में अब तक का सबसे हाई स्कोर है। रॉबिन उथप्पा ने जमकर बल्लेबाजी करते हुए हाफ सेंचुरी ठोक डाली। इस तरह कोलकाता के रॉबिन उथप्पा और तेज गेंदबाज इस जीत के हीरो बने हैं। आईपीएल 9 में सनराइजर्स की सिर्फ एक जीत और हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की खराब परफॉर्मेंस को लेकर टीम के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने बताया कि आखिर क्यों लगातार फेल हो रहे हैं शिखर धवन। दिखाते हैं इस रिपोर्ट से। इंडियन प्रीमियर लीग के 9वें सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की खराब फॉर्म लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि धवन की खराब फॉर्म का अहम कारण उनका धीमा फुटवॉक है। गावस्कर का ये पूछने पर कि क्या धवन पर प्रदर्शन करने का दबाव है, गावस्कर ने कहा, उस पर प्रदर्शन करने का लगातार दबाव है। समस्या ये है कि जब धवन विफल रहता है तो वो 4-5 मैचों में नाकाम रहता है और लोग उसके बनाए रनों को भूल जाते हैं। सीमित ओवरों के क्रिकेट में उसने 9 सेंचुरी और 50 से अधिक रन के 17 स्कोर बनाए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आईपीएल में देखा कि उसके पैर धीमे मूव कर रहे हैं, मैं उसे रस्सा कूदने की सलाह देता हूं और इससे निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। गावस्कर ने भारतीय टीम से बाहर चल रहे गौतम गंभीर की तारीफ की, जो 192 रन के साथ अब भी आईपीएल के टॉप स्कोरर है। उन्होंने कहा कि ये सलामी बल्लेबाज अब भी टीम इंडिया में वापसी कर सकता है। गौतम गंभीर के प्रदर्शन को बेहतरीन बताते हुए कहा कि अब वो टीम इंडिया में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल खेल जगत में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए मेट्रो टीवी के साथ। नमस्कार।